अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक के साथ शारदीय नवरात्र मेले में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। संबंधित को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। 9 अक्टूबर 2021 को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक के साथ विंध्याचल स्थित प्रशासनिक भवन में संयुक्त रूप मीटिंग की गई। तदुपरांत मेला क्षेत्र मंदिर परिसर गंगा घाटों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं शारदीय नवरात्र मेला सुरक्षा व्यवस्था में लगे संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण को आवश्यक निर्देश दिए। उक्त भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए धनंजय मौर्य की खास रिपोर्ट। देखिए समीक्षा में आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग का एक सिस्टम होता है कि जो मेला चल रहा है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, जो श्रद्धा से आ रहे हैं, उनको हम एक ऐसी व्यवस्था दें उसी श्रद्धा से वापस लौटे, किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो आने में, दर्शन करने में या घूमने में, स्नान करने में। तो हम अपनी जो व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं, बात आवश्यकता की नहीं होती है, बात समीक्षा करने की होती है। हमने हमारा प्रयास यही है कि जो बाहर के लोग आएंगे, चाहे उनको ट्रैफिक में, चाहे उनका पार्किंग की बात है, मंदिर में एंट्री की बात है, दर्शन करने की बात है, गंगा स्नान की बात है। मैंने कहा है कि तो यहाँ पर विगत दिनों में कुछ कैजुअल्टी हो गई थी, गंगा में डूब करके बाहर के लोग आए थे, एक उनकी मीटिंग में से नोट कर ली है और दोबारा मैंने कहा है कि इंश्योर कर लिया जाए कि जो नाविक हैं उनसे इंश्योर कर लिया है कि उनकी नावों की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी से अधिक कोई व्यक्ति उन्हें बैठा लें। सबके पास फायर सॉरी सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए, जैसे उस सेफ्टी जैकेट पहन के उसमें लोग अंदर जाएँ। एक फ्री बोर्ड होता है कि उससे ज़्यादा नाव डूबनी नहीं चाहिए पानी के अंदर, उसको इंश्योर करा लिया जाए। और वहाँ कहाँ स्नान होना है, कहाँ नहीं होना है, ये भी जगह चिन्हित हो जाए पहले से, और जहाँ गहरा पानी हो वहाँ बैरिकेड वगैरह क्या करके लोगों को न जाने, जैसे कोई किसी प्रकार की कैजुअल्टी ना होने पाए स्नान के दौरान। ये मैंने इनको ब्रीफ किया है। दूसरा, हमारे श्रद्धालु आते हैं कई जगह, उनको सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपने वाहन पार करने हैं या और कहीं जाना, कोई उनके साथ में कोई शोषण नहीं होना चाहिए, ना वाहन पार्किंग वाले कर पाए, ना कोई अन्य का कर पाए। आदमी अपनी श्रद्धा से जो दे रहा था लेके जा रहा है, कोई इसको उत्पीड़न ना होने पाए। महिलाएं काफ़ी संख्या में आती हैं, तो महिलाओं से कोई किसी प्रकार की बदतमीजी ना होने वाले, उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। काफ़ी फोर्स लगाया गया है, महिला फोर्स भी डिप्लॉय की गई है, काफ़ी कम लोग लगाए गए हैं। इसके साथ साथ कम से कम 3-4 बार एंटी सबोटाज चेकिंग, काफ़ी CCTV कैमरे लगाए गए और लगातार CCTV कैमरों कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेला की समीक्षा की जा रही है। अभी कहीं कोई जिम्मेदार तो नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आ रहे हैं बहुत अच्छे भाव से यहाँ से लौटे जाए। आतंकी इनपुट के चलते ATS की डिमांड की गई थी आपकी तरफ से? कोई ऐसा विशेष कोई इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हर समय तैयार रहते हैं, चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, और उसके लिए हमारी यहाँ व्यवस्थाएँ भी हैं। ऐसा कोई इनपुट नहीं है फिलहाल, बहुत अच्छी रकम बन रही है ATS की उपलब्धता। देखिए ये सब चीज़ें आपको बताने की नहीं होती है, हमें क्या व्यवस्था करनी कुछ बता, हमारी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं, व्यवस्था हमारी गोपनीय होती हैं, एक हर तरह व्यवस्था।